और चलिए वक्त हो गया है 100 खबरें फटाफट के रुख करने का। रुख करेंगे चुनावी खबरों की ओर। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल जीत के लिए अपने दांव पेच आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्ता में वापसी की आस लगा रही है, जिसके चलते राहुल गांधी 14 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। आज फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुंकार भरेंगी। स्मृति ईरानी दोपहर 1 बजे तिगांव अनाज मंडी पहुंचेंगी, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज सिरसा के नेहरू पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। वहीं बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कैथल में प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दलवारू और महम में चुनावी जनसभा कर जनता से समर्थन मांगा। कैथल में अमित शाह ने अब की बार विजयोत्तर पार का नारा दिया और कहा कि विजयादशमी को राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। साथ ही राफेल लाने के लिए पीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने 370 को जड़ से उखाड़ फेंका है। राहुल गांधी बताएं कि वो कांग्रेस 370 के खिलाफ है या साथ है। अमित शाह ने कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हमने पूरी दुनिया को बताया है कि कश्मीर हमारा है। लोहारू में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी जेपी दलाल के समर्थन में संकल्प रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में विकास किया और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास संभव है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव है और राहुल छुट्टी पर है। राफेल को लेकर अमित शाह ने कहा कि राफेल की पूजा से कांग्रेस का परेशान है। कांग्रेस देश का भला नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी देश का भला चाहती है। 70 सालों में अनुच्छेद 370 नहीं हटा, लेकिन पीएम की सरकार में एक झटके में ही अनुच्छेद 370 हट गया। रोहतक जिले के महम में अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान संपत सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। मैं में बीजेपी में शामिल होने के बाद संपत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में टिकटों की खरीद फरोख्त होती है। संपत सिंह ने कहा कि हिसार की सभी 7 सीटें बीजेपी को दिलाऊंगा, फतेहाबाद की 3 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। और साथ ही कहा कि 7 घरानों ने हरियाणा कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। महम में अमित शाह ने भरी हुंकार और महम सीट से प्रत्याशी शमशेर खरखड़ा के लिए वोट मांगेंगे। सोना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया। सोना सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में जनता से वोट मांगे। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने भाई भतीजा खत्म किया और अब पर्ची और खर्ची नहीं चलती। साथ ही सभी वर्गों के लिए विकास कार्य किए गए। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा की और इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी 370 नहीं हटाई है, लेकिन बीजेपी की सरकार में अनुच्छेद 370 हटा। जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है और बीजेपी भारी बहुमत से जीती। कोसली, आपको बता दें कि कोसली के बिरली कला गांव में दरअसल सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 5 साल की सरकार और 48 साल की सरकारों में फर्क देखा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के साथ पीएम का गहरा संबंध है। हरियाणा के लिए केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड पूरी की। 300 टेलों में पानी पहुंचाया गया और एसवाईएल को लेकर हमारी लड़ाई जारी है। पंचकुला में सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस नेता ओम प्रकाश देवीनगर बीजेपी में शामिल हुए। बता दें आपको कि पंचकुला के पूर्व विधायक डीके बंसल की पत्नी अंजलि बंसल ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है और दोनों नेताओं को विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने पार्टी ज्वाइन करवाई। सिरसा के दौरे पर रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दरअसल कहा कि पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश में मजबूत है और कांग्रेस अपने बूते पर सिरसा की 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सिरसा जिले के कांग्रेसी उम्मीदवार होशियारी लाल शर्मा के समर्थन में जनता को संबोधित किया।
कुमारी शैलजा ने कहा कि पूरे प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेता प्रचार करेंगे, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल होंगे। कुमारी शैलजा ने टिकटों के बंटवारे पर कहा कि हमारे पास आवेदन ज्यादा आए थे और सीटें सिर्फ 90 हैं, इसीलिए पार्टी को सभी चीजों का ध्यान रखकर टिकट बांटना पड़ता है, इसलिए किसी को कभी नाराज नहीं होना चाहिए। रोहतक के चुनावी मैदान में 58 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है और इस बार सबसे ज्यादा प्रत्याशी महम से हैं। बता दें आपको कि 82 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें कि 17 नामांकन रद्द कर दिए गए, जबकि 7 ने नाम वापस ले लिया है। सभी को सिंबल अलॉट कर दिया गया है। रोहतक जिले में चारों विधानसभा सीटों में हॉट सीट माने जाने वाली महम सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी भिड़ेंगे। महम सीट पर इस बार कुल 21 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जबकि रोहतक सीट पर 14, कलनौर सीट पर 13 और सांपला सीट पर 11 प्रत्याशी ही शेष बचे हैं। करनाल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब 60 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 13 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, साथ ही उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। करनाल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 98 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था, जांच के बाद 23 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए और 13 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। यमुनानगर जिले के 4 विधानसभा सीटों पर 46 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले शेष सभी उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी पूरा दमखम दिखाएगी। 18 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी हिसार में लोगों को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। 11 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ कालका, नारायणगढ़, जींद और सोनीपत में रैलियों को संबोधित करेंगे। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 अक्टूबर को डब्बाली, रानिया, कालावाली, गुरुग्राम और पटौदी में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट भी मांगेंगे। हिमाचल में धर्मशाला और पश्चात उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम जयराम ठाकुर पश्चात में जल्दी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, विधानसभा में 2 रैली करेंगे। सीएम पहली रैली 15 अक्टूबर और दूसरी रैली 19 अक्टूबर को करेंगे। वहीं बीजेपी ने दोनों सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर 37 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। 37 स्टार प्रचारकों में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल और साथ ही शांता कुमार समेत कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। धर्मशाला के स्लेट गोदाम गांव के मंदिर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी नाचते गाते प्रचार करते नजर आए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी गीत गाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की।